नाम से विख्यात गांव बलाली के गीता बबीता विनेश के बाद अब पूर्व सरपंच अमित सांगवान की बेटी नेहा सांगवान ने महज 16 साल की उम्र में भारत कुमारी का दंगल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वाराणसी मंडल के मिर्जापुर में 28 अक्टूबर को संपन्न हुई राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में नेहा ने उपलब्धि हासिल की है। नेहा ने जहां बलाली बहनों से प्रेरणा ली तो वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट से पहलवानी के गुण सीखते हुए इस मुकाम पर पहुंची है। इससे पहले भी नेहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्वर्ण सहित 11 पदक अपने नाम कर चुकी है। तो वहीं अपनी इस उपलब्धि पर पहलवान नेहा सांगवान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम नेहा सांगवान है, मैं बलाली गाँव से हूँ और मैंने 16 साल की उम्र में भारत कुमारी का खिताब जीता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये खिताब जीत के और मैं अपने जीवन में और भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहती हूँ। अब तक मैंने 3 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं, 2 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 1 मेडल जीत चुकी हूँ। इस कामयाबी के पीछे मेरे कोच साहब सज्जन सिंह, कृष्ण लांबा कोच साहब और कृष्ण पहलवान जी का पूरा साथ रहा। मेरी फैमिली में मुझे पूरा सपोर्ट किया। आज लग लड़कियों को बाहर भेजने से लोग डरते हैं, जो कि मेरी फैमिली ने मुझे इसमें पूरा सपोर्ट किया है। बस कि अपनी पढ़ाई करो और खेलो कूद और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बस इतना ही है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 11 मेडल जीत चुके हूँ, जिसमें 11 स्वर्ण पदक हैं। और मैंने 2016 में महावीर फोगाट के पास कुश्ती स्टार्ट की थी और 2018 से मैं फिर लगातार कृष्ण अखाड़ा खानपुर में अभ्यास करती हूँ। बहुत परेशानियाँ तो इतनी, भाई देखो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, फिर 7 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर स्कूल में जाना, फिर स्कूल में से आके फिर रात को अखाड़े में जाना और आके फिर स्कूल का काम करना, फिर 9-10 बजे तक पढ़ाई होती, फिर बाद में सोना, फिर सुबह वहीं 4 बजे उठ के। तुम देखो परेशानियाँ तो बहुत आती हैं पर कभी कामयाब भी मिलती है तो खुशी बहुत होती है। वहीं पहलवान नेहा सांगवान ने यह भी कहा कि उनके परिवार ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया है और इसी का नतीजा है कि वो भारत कुमारी का खिताब जीतने का सपना पूरा कर सकी। अब उनका लक्ष्य कड़ी मेहनत से ओलंपिक में क्वालिफाई कर देश के लिए पदक जीतना है। आशा है कि नेहा का ये सपना भी भविष्य में जरूर पूरा हो जाए। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।